Hi guys, welcome back to Switchlies 2.0. Guys, आज हम लोग देखने वाले हैं इट्स सरेन चैनल से फनी वायरल मीम्स कंपाइलेशन मस्ट वॉच डैंकटन मीम्स. आई एम सरेन. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. यू मस्ट बी चेक आउट द चैनल. लेट्स एंजॉय द वीडियो. अपना अंदर झांक सिद्धू. है तुम्हारा पास कोई ऐसा मूव? एक ऐसा मूव जो तुम बचपन से आज तक करने आए हो, जिसे तुमसे बेटर और कोई नहीं कर सकता. सबका अंदर एक ऐसा मूव होता है. बोल बोल, वो कौन सी मूव है जो तू रोज करता आया है? रोज माय फ्रेंड. सर एक क्वेश्चन था. हाँ बेटे पूछो. सर ये गर्मियों में दूध फट जाता है, इसमें कौन से बैक्टीरिया की वजह होती है? बैक्टीरिया बैक्टीरिया कुछ नहीं बेटे, ये सिर्फ हमारी तुम्हारी बहुओं की और घर वालों की लापरवाही है. बेटे गर्मी इतनी है कि दूध तो दूध, आदमी की गांड फट जाए. अरे फिजिक्स के क्वेश्चन से, सॉरी फिजिक्स के टीचर से तुम केमिस्ट्री का क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? मेरा दिमाग खराब हो गया. कंसेप्शन है कि सिर्फ मर्द सेक्स के बारे में सोचते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कहीं मैं आशा के साथ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है लड़कियों का दिखता नहीं है. दे सीम टू बी वेरी कि बहुत इमोशनल है, सेंसिटिव है, नहीं सोचती सेक्स सेक्स क्या होता है कुछ नहीं पता. बट आई थिंक लड़कियां भी बहुत सोचती हैं सेक्स के बारे में. ऑफकोर्स क्लीन जरूरी है. 1 2 4 5 3 पड़ता है और गुटका चबा रहा है ना जी. अब गुटका खा रहे हो, मर जाओगे तो? शाहरुख खान मरवे नहीं गया तो हम कैसे मर जाएंगे? पहली बात तो शाहरुख खान गुटका नहीं चबाते हैं. ऑनलाइन क्लास में अपने कंट्री का नाम बताओ तो. नरेंद्र मोदी. गलत बोल रहा है. क्या होगा? इंग्लिश मैथ. क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये बात. दुख होता है यार. आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? If you leave him, baby, let me down slowly. ये बताओ आटा कहाँ से खरीद के लाए हो? क्या हुआ? सारी रोटी जल रही है. बहुत सही. सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है बताओ. सर हेलो. अरे सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है बोलिए. कैमरा अगला दिन बोलेगा तब ना हम बोलेंगे. अरे वो माइक है सभी, फोन नहीं है. बाबू पापा के साथ सोया हूँ, आज ऑडियो में बात नहीं कर सकता. तुम अपना ऑडियो भेजो, ईयरफोन लगा के सुन लूंगा. और दिखाओ ना, थोड़ा दिखाओ दिखाओ. क्या हम दोनों इस वक्त जंगल में बिल्कुल अकेले हैं, इसके बाद क्या होगा? किसके सपने आ रहे थे? आप अभी कह रहे थे ना. क्या बोला मैंने? कि आपको सपने आ रहे थे बहुत सारी लड़कियों के बीच में घिरा हुआ. तो एंड में किसके साथ आना? एंड में आओ ना आओ फर्क क्या पड़ता है, मजे तो ले लिया आपने. लड़कियों के बीच घिरे होने के. अरे भाई सपना देख रहा था वो बहन. रोगे पानी की छोड़ गया. सपना देख रहा था वो भाई. इंसान सपना भी नहीं देख सकता. अच्छा सॉरी गलती, मैं आपसे ऐसे सपने नहीं देखे. सपने कैसे देखोगे, दिमाग ही वहीं चलता है तो कैसे? भाई हद है यार. पॉसेसिवनेस की. अरे यार बस बस हो गया. अरे हो गया सॉरी. ओके बाय बाय. हाँ आज के बाद बहन तो सपने नहीं आने चाहिए. आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं. कैसा फैसला? सीधा चलते हैं मुच्छड़ के घर. फिर? और फिर मुच्छड़ को बोलते हैं कि नाव वापस करता है कि नहीं. फिर मुच्छड़ बोलेगा क्या? कि नाव वापस नहीं करूंगा. तो हो गया ना फैसला.
क्या माइला यार, मुझे बाबू भैया वाला जोक ही याद आ जाता है जब भी मैं परेश रावल को देखती हूँ ना, मुझे बार बार वही जोक याद आ जाता है। क्योंकि यार मीम्स को छोड़ दो, हम लोग ने वैसे ही ये पिक्चर इतना ज़्यादा देखी है, इतना ज़्यादा चाहे ये वाली हो है ना चुप चुप के, या फिर परेश रावल की कोई सी भी मूवी उठा कर देख लो भाई, तुम हंसते हंसते पागल हो जाओगे। हाँ वो जो नई वाली वो हंगामा 2 आई थी उसको छोड़कर प्लीज़ उसको मत देखना मत देखना कसम से सच में वो मूवी बनी है ताकि एक्टर्स की बेइज्जती की जा सके, अच्छे अच्छे एक्टर्स की बेइज्जती की जा सके। ठीक है, ऐसे हंगामा 2 है और ये कुली नंबर 1-2 है ना, वो मतलब कुली नंबर 1 जो वो वाली वरुण धवन की, ठीक है ये मूवीज बनी ही इसीलिए हैं ताकि हमारी एवरग्रीन मेमोरीज को ना ख़राब कर सकें ये अरे यार आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।